से शिनी कालबिन इन एन एनल फेम। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो महामारी हमारे पूरे विश्व में फैली हुई है, इस वजह से लॉकडाउन है और सभी लोग घर पे बैठे हैं, तो इसलिए हमारी एक बहुत अच्छी एनजीओ है आज की बेटियाँ, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा टैलेंट शो, ऑनलाइन टैलेंट शो ऑर्गेनाइज किया है और जिसे हैंडल कर रही हैं विजेता सिंह चौहान, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, मेरी सिस्टर भी हैं। और इसमें सभी लोग अपने अपने टैलेंट के वीडियोस बना के उन्हें सेंड कर रहे हैं। जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट के वीडियोस भेज रहे हैं, जो बहुत अच्छा गाते हैं वो अपने सॉन्ग्स के वीडियो सेंड कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे पोएट हैं और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट जिनमें हैं, वो सभी लोग अपने अपने वीडियो सेंड कर रहे हैं और मैं उसे जज कर रही हूँ। तो बस मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे अलग अलग सिटीज से वीडियोस मैंने सुने और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बहाने ही सही सब लोग अपना एक हुनर आज फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा अपना हुनर दिखा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है और अपना नाम भी रोशन होता है इसमें। तो मैं ऐसे सभी लोगों को बेस्ट विशेष देना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि जो भी हुनर आपके पास है, खूब मेहनत करें, खूब रियाज करें, अपने वीडियोस भेजें। और ये जो हमारी आज की बेटियाँ ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑनलाइन टैलेंट शो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, तो अपने अपने वीडियोस पर भेजें और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। बहुत अच्छा गाएं, अच्छा बजाएं और अपने प्यारे प्यारे वीडियोस भेजें। और इस कॉन्टेस्ट के लिए मैं विजेता को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मुझे एज अ जज उन्होंने बोला कि मैं इस टैलेंट शो को जज करूँ, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि मैं ग्वालियर के लिए, ग्वालियर क्या बहुत सारी सिटीज से वीडियोस आ रहे हैं, तो आप सभी कलाकारों को सुन के मैं जज करूँ। तो थैंक्स टू विजेता एंड थैंक टू यू। नमस्कार, मैं कमला सक्सेना ग्वालियर नगर निगम में पार्षद के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आज जबकि पूरा विश्व कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है, तो ऐसे में हमारे सभी बच्चे घरों में सुरक्षित हैं, घरों में रह रहे हैं और आवश्यक है कि वे अपनी गतिविधियों को प्रदर्शित कर सकें। तो ऐसे में आज की बेटियां संस्था जो कि विजेता सिंह चौहान जी के माध्यम से चलाई जाती है, उनको मंच प्रदान किया है ताकि वो डांसिंग के माध्यम से, सिंगिंग के माध्यम से, पेंटिंग और पोएट्री राइटिंग के माध्यम से अपनी अपने टैलेंट को शो कर सके। तो मैं सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और विजेता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रतियोगिता से एज ए जज जोड़ा है और ये बहुत मुश्किल काम है, ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। मैं सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और विजेता जी को भी धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं निशा शर्मा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। आज की बेटियां जिन्होंने ये ऑनलाइन डांस कंपटीशन रखा है, मैंने काफ़ी सारे बच्चों के डांस परफॉर्मेंस देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अलग अलग शहर के लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और पेरेंट्स भी बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं ऑनलाइन डांस कॉम्पिटिशन के लिए। तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर कीजिए कि वो घर में ना बैठें और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें और इस लॉकडाउन के टाइम को हमको एंजॉय करना है, यूटिलाइज करना है। और ये बहुत ही अच्छा कदम आज की बेटियों ने उठाया है कि विजेता सिंह ने, कि आज बच्चे घर में रहकर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएं और मुझे बहुत मजा आ रहा है ये शो जज करते हुए। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, আমার নিধি বরিয়া, বেটি বচাও বেটি পড়াও কি ব্র্যান্ড এম্বাসেডর এন্ড ন্যাশনাল আর্টিস্ট। আপনি আপ সবাই কো পতা হে কি হামারে ভারত কোভিড-19 কি মহামারি সে গ্রস্ত হে, পরেশান হে, জিসকে চলতে হামারে পিএম মোদি জি দ্বারা সম্পূর্ণ ভারত মে লকডাউন লাগা রাখা হে। বাট ইস লকডাউন মে হামারে বচ্চো কে ট্যালেন্ট পর কোই ভি লকডাউন নহি লাগা সকতা হে, ইসিলিয়ে আজ কি বেটি সংস্থান দ্বারা ऑनलाइन टैलेंट कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें ड्राइंग कॉम्पिटिशन, म्यूजिक कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, पोएट्री कॉम्पिटिशन, बहुत सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें मुझे ड्राइंग कॉम्पिटिशन में एज अ जजमेंट रखा गया है।